बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के नतीजे अभी आई है। बीजेपी की पहले वहां एक सीट थी, अब 9 बन गई, और यूपीपीएल के साथ हमने सरकार बनाने का, सरकार माने वहां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर होता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए हमने प्रमोद बोरो का नाम दिया है। तो ये एक बीजेपी को और चुनावी सफलता मिली है। बोडोलैंड में पहले हमारी एक सीट थी, अब 9 सीटें हमारी बनी है, और यूपीपीएल के साथ हम वहां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए प्रमोद बोरो का नाम का सुझाव दिया है। और कांग्रेस की एक सीट आई है, तो कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। ये बोरो काउंसिल पहले कांग्रेस की होती थी, लेकिन ये स्थिति आज है। आपको पता है राजस्थान के पिछले ही सप्ताह नतीजे आए, राजस्थान में जिला परिषद के सभी जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं। ब्लॉक पंचायत समिति 93 हो रही है, जीती है बीजेपी ने। जिला परिषद के 606 में 353 सीटें जीते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी ली है, और ब्लॉक पंचायत के 1990 जीते हैं 4300 में। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी सभी जगह जीत रही है। अभी उसके पहले हैदराबाद में चुनाव हुआ, आपको मालूम है हमारे केवल 5 पार्षद थे, अब 48 हो गए। वहां जो प्रमुख पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति के 99 मेंबर्स थे, आज उनके 55 हो गए और 44 मेंबर बीजेपी के बड़े 48 हो गए। उसमें कांग्रेस एक आई है, हैदराबाद में कांग्रेस एक आई है। ये बार बार समझना जरूरी है कि बीजेपी कैसे जा रही है और कांग्रेस कहां जा रही है। उसके पहले लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो गए, वहां बीजेपी ने 26 में से 15 सीटें जीतकर कंप्लीट मेजॉरिटी पाई। उसके पहले बिहार में चुनाव हुए और बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जदयू ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और एक शानदार विजय रजिस्टर किया। उसी समय चुनाव हुए, उपचुनाव हुए अनेक राज्यों में। मध्य प्रदेश में 28 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती, यूपी में 6 में से 6 जीती, गुजरात में 8 में से 8 जीती, मणिपुर में 4 में से 4 जीती, और नागालैंड में भी हमारा मित्र दल जो खड़ा था वो सब सफल हो गए। अभी अरुणाचल के चुनाव चल रहे हैं, वहां नॉमिनेशन का आखिरी दिन हो गया और आखिरी दिन तक 60% जगहों पर बीजेपी के निर्विरोध चुने गए हैं जिला परिषद में और ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में 8900 में 5500 निर्विरोध चुने गए और जिला परिषद में 240 में से 90 या अनुपोज चुने गए। तो ये लगातार, चाहे बोडोल का, असम का मामला हो, अरुणाचल का हो, राजस्थान का हो, हैदराबाद का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, मणिपुर, कहीं भी जाओ, बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस समाप्ति पर है। ये इस चुनाव का मतलब है। ये चुनाव का दूसरा महत्वपूर्ण मतलब है लोगों का, मोदी जी के नेतृत्व पर
और नीति पर विश्वास है और इसलिए लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। किसान, गरीब, सभी वर्ग समाज के, ग्रामीण और शहरी सभी लोग आज मोदी जी के विकास के कार्यक्रम को मान्यता दे रहे हैं। ये इन सभी नतीजों का अर्थ है।